Welcome back to my YouTube channel. This is Wong Chengi Singh. So today in Prayagraj, in my mother's place, we are making momo today. So you guys keep watching, I'll be flaming. First of all, before showing you all the stuff making momo, I'd like to say that in our home in Prayagraj, in my mom's place, they speak in Hindi. So I'll try to speak in Hindi today because it's not trying, but I know how to speak in Hindi. I just speak like they say now. People they say that tuta phota Hindi bolta hai. Main wo sab bol deta hu, but like I'll try my best. Okay, if you guys see any mistake, please forgive me for that. I'm so sorry. So I'll be filming. You guys keep watching. So guys, let's start. Abhi mera mummy. वो मतलब कीमा बना रहा है बंदा गोभी का, इसको बंदा गोभी बोला जाता है, और मम्मी कीमा बना रहा है इसका, और मेरा मामी थोड़ा हाथ बटा रहा है, और यहाँ प्याज रेडी है, ये प्याज का कीमा बन रहा है, इसका भी कीमा बनेगा, मेरा नानी माँ वो भी बंदा गोभी छील रहा है, यहाँ अच्छे कीमा बन गया है अभी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर मम्मी आटा गुन रहा है, मैदा, इसे ये मैदा है, मैदा गुन रहा है अभी, ये मैदा भी गुन गया है आप देख सकते हैं। पर मेरा नानी माँ चटनी का धूमधाम तैयारी कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर नानी माँ काम करते समय हंसता भी नहीं है, बहुत ध्यान से नानी माँ चटनी बना रहा है। ये देखिए आधा चटनी बन चुका है, तो वहां पर रख दिया है। ये देखो मेरा नानी माँ भी चटनी बनाने में एक्सपर्ट है। अगर आपको किसी के घर में चटनी बनाना हो तो आप नानी माँ को बुक कर सकते हो पहले ही। सभी मोमो बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ मेरा नानी मम्मी को हाथ बटा रहा है, ये आप देख सकते हैं। अभी ये आटा गून के भी तैयार हो चुका है, और यहाँ पर अभी आटे को तोड़ के डल्ला बना रहा है, लोई बना रहा है, एज यू कैन सी हियर। मोमो बनाने के लिए मम्मी आटा को बेल रहा है, ये देख सकते हैं आप। मेरे नानी मोमो बना रहा है, जिसको मोमो ने बनाना नहीं आता है वो लोग ये इसमें देख के आप सीख सकते हैं, मतलब यहाँ पर मोमो कैसे बटारा जाता है। ये देखिए आप, अभी अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए मोमो अभी रेडी हुआ है, इसमें डाला है, तो इसको सूप के ऊपर पकाया जाता है। ये सूप हमने रेडी किया है, थोड़ा अभी बाद में थोड़ा और पानी डाला जाएगा इसमें, तो अभी ये मोमो डाला जा रहा है। इसको ऐसे रखा जाता है, और यहाँ ये देख सकते हैं आप, इसको ढका जाता है इसे। अभी अभी भी सब लोग मोमो बना रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर भी अभी मतलब बसा दिया है। वेज मोमो बनाने के लिए 15-20 मिनट लगेगा उसको पकने के लिए। जब रेडी होगा मैं आपको उस समय भी फ्लेमिंग करके दिखा दूंगा। सो गाइस कीप वाचिंग। ये मोमो बन चुका है, मतलब अभी पक चुका है, इसको अभी दूसरा बर्तन में निकाला जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सूप भी बन रहा है। ये तो होना चाहिए ना, क्या जी आलू बाय बाय। ये देखिए अब ऊपर का नीचे कर दिया गया है, नीचे का ऊपर कर दिया गया है, ये देख सकते हैं आप।
हैं आप। बन के रेडी हो गया है, अभी यहाँ मम्मी हॉट केस में इसे डाला है, तो अभी इसको हम प्लेट में रख के अच्छे से खाएंगे नानी के साथ। अब मोमो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, अभी हम खा रहे हैं, अभी नानी भी खा रहे हैं गरम गरम सूप और मोमो। नून भी चखने वाले हैं अब मोमो। मैंने खाना, मैंने मोमो भी खा चुका है, अभी कंप्लीट हो गया और मेरा पेट भी भर गया। बहुत बढ़िया बना था, है ना नानी माँ? मोमो कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा, पेट भरा आपका? भरा। अच्छा, तो मेरा भी पेट भर गया है। सो इफ यू गाइस एंजॉय वाचिंग माय ब्लॉग, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय ब्लॉग। आई लाइक अब ऐसे ही हम दोबारा दूसरा वीडियो आप लोगों को जो जो देखना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, हम आपको दूसरा वीडियो बना के दिखा देंगे। एंड व्हाटएवर आई स्पोक इन हिंदी, जो भी मैंने हिंदी में बोला है, अगर मेरे से कुछ गलती हुआ है हिंदी बोलने में वो मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, इधर आके ही मैं नहीं हिंदी बोलता हूँ। सो गाइज थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी अ लॉट। आई इसी लाइक अभी मैं नेपाली में बोलूँगा था, और इसी नहीं मैं अगर सपोर्ट कर दे लानोस है, अनि जति सक्दो मेरो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् है, जति सक्दो तपाईँहरूले सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो सेयर गरिदिनुहोस् है। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ है। एन्ड जति सक्दो जतिजनाले मोमो लभर्सहरू जतिजना छ उनीहरूले मोमोको बनाउने भिडियोहरू हेर्नुहोस् है। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर यसरी नै इन्जोय गर्दैछु है, आज चाहिँ मोमो खाएँ होइन, पछि पनि केही राम्रो कुरोहरू बनाएको छ भने म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भ्लगमा देखाइदिन्छु है। Yeah, that's it. Thank you so much, guys. Keep watching and share this video as much as you can. Bye.